हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नोके चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आरआरबी जूनियर इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके CBT 2 का जो आज फाइनल आंसर की अपडेट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, 1000 स्टूडेंट से हमने बात की। जी हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स आए, मैसेज आए, कुछ मेल्स आए, कुछ पर्सनल मेल्स आए, तो इस प्रकार सभी कमेंट्स हमने इकट्ठा करके जो फाइनल रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, हमने जो फाइनल रिजल्ट बना रहे हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड कटऑफ जा सकती है, उसी के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कटऑफ जिस पे अगर आप उसके आसपास में हैं या फिर उतने नंबर आपके हैं तो आप जो है पास होने की पूरी आपकी चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है दोस्तों। और जब भी कोई नया सरकारी फॉर्म आता है तो उसके नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, यानी कि पूरी की पूरी अपडेट जो हम आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 2 जनवरी से आपका जो है अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और 31 जनवरी जो है इसका लास्ट डेट था। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस जो एप्लीकेशन फीस की थी वो थी 5 फरवरी, लास्ट डेट कंप्लीट का था वो था 7 फरवरी, और जो लास्ट डेट फॉर चेंज लैंग्वेज था वो था 1/5 यानी कि 1 मई को, और जब इसका फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट एग्जाम हुआ वो था आपका 22/5, और मॉक टेस्ट लिंक जो अवेलेबल था वो 12/5 से थी। स्टेज 1 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 13 अगस्त को हुआ था। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम डेट था वो 28/8 से लेके 1/9 तक था, और स्टेज 2 का जो सेकेंड का जो सिटी पास आपका जो था वो था आपका 17 अगस्त को। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बता दी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि जो इसका आंसर किया था सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, स्टेज सेकंड आंसर की अवेलेबल 26/9/2019 को आया था, और स्टेज सेकंड फाइनल आंसर की, जी हाँ दोस्तों, आज फाइनल आंसर किया है, आप देख सकते हैं 10/10/2019 को। अब सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ कितने टोटल पोस्ट थे, वो थे आपके, आपको पता होगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ₹13,487 टोटल पोस्ट थे, और इसमें जो एज लिमिट थी वो 18 से 33 वर्ष थी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इसको कि कैसे आपको जो है इसको स्टेज को जो आपको डाउनलोड करना है अपने फाइनल आंसर की को। तो देखिए आपको जो है, देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है sikandarabad.rrbonline.reg.in पे, देख लीजिए यहाँ पे ये आपका ऑफिशियली साइट है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है साफ साफ फाइनल मॉडिफाइड की फॉर सेकेंड स्टेज। तो आपको जस्ट कुछ करना है, बस पे क्लिक करना है, उसके बाद आप देखिए objection.rrbonline.register.in पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने आपके दिया हुआ है फाइनल रिवाइज्ड की फॉर CBT स्टेज 2 लॉगिन। जी हाँ दोस्तों, ये लॉगिन पेज है, यहाँ पे अंतिम संशोधित कुंजी दिया गया है लॉगिन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जस्ट लॉगिन करना है, उसके बाद जो है आप अपना फाइनल आंसर की जो है आपका आया हुआ है वो आप मैच कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप हमें पर्सनली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेल कर सकते हैं, तो भी हम आपको जो है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दे सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, हम इसका जो है फाइनल जो है इसका कट ऑफ कितने जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ आपको, परसेंटेज, जी हाँ दोस्तों, कितने परसेंटेज आपको मार्क्स है जो क्वालिफाई कराएगा, यानी कि आपको पास होने के लिए एटलीस्ट जब आप कट ऑफ में जाएंगे कि आप मेरी टेस्ट में बनेंगे, इतने परसेंट मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। उसके बाद ही जो है आप पे विचार किया जाता है आपके मार्क्स पे, आपके रोल नंबर पे। तो देखिए सबसे पहले जनरल के लिए देखिए 40% मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स आउट ऑफ 150 में से, EWS के लिए 40% मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स 150 में से, OBC के लिए देखिए यहाँ पे 30% है यानी कि 45 मार्क्स भी अगर आपने कंसिडर किया है तो भी आपका जो है क्वालिफाइड माने जाएंगे। SC के लिए भी 30% यानी 45 मार्क्स, इतने मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है दोस्तों। अगर इतने मार्क्स आप नहीं आते तो आप सीधा फेल हो जाएंगे, आपकी जो है अवेलेबल नहीं होंगे आप जो है फाइनल लिस्ट के लिए। अब आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे 1000 स्टूडेंट, जी हाँ दोस्तों, उनसे ज़्यादा ये भी कंटिन्यूसली चल ही रहा है हमारा काउंटिंग। तो इतने स्टूडेंट्स हमने बात किया और उन्होंने जो बताया अपना एक अनुमान कि सर इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं आ रहा, इतने मार्क्स हमारे आ रहे, इतने मार्क्स हमारे आ रहे, तो फाइनल आंसर की के बाद जो हमें अपडेट मिली है वो अपडेट आपका यह है कि 65 से 75 के बीच में जो है कट ऑफ जा रही है जनरल वालों की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपकी कट ऑफ जो है 65 से 75 के बीच में है तो आप जो है दोस्तों पक्का जो है पास होने। अब बात करते हैं EWS के लिए, तो EWS में अगर आप 65 से 70, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 5 मार्क्स आपका सिर्फ डिफरेंस हो रहा है, यानी कि 65 से 70 के बीच में है, और EWS से आप यानी कि जो आप नई कैटेगरी आई है इस कैटेगरी में आप हैं तो आप जो है यहाँ से पास हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इतने मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं OBC के लिए, तो OBC के लिए देखिए 60 से 70, या जी हाँ दोस्तों, अगर 60 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और आप OBC से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप जो है 100% पास हैं दोस्तों, क्योंकि आपको कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, CBT 2 आपने पास कर लिया है। अब बात करते हैं SC की, तो SC में देखिए दोस्तों यहाँ पे 55 से 65, जी हाँ दोस्तों, पेपर काफ़ी जो है
आपको पता है मॉडल लेवल का था पेपर जो है, तो इसलिए कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा रही है। और यहाँ पे आपको जो 55 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप जो है अपने नेक्स्ट राउंड के लिए लग जाइए दोस्तों। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए देखिए यहाँ पे 50 से 60 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि आपका जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। बट अगर कुछ डाउट्स आपके अभी भी क्लियर नहीं हो रहे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, हम वहाँ पर आपको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अपनी नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ।